नफ्स को अपने तपाते हैं, अकीदत से जो पाबंदी शरीयत की निभाते हैं। जो आशिक है नबी के और गौसे पाक के, प्यारे विलायत के मरातिब बस वही अल्लाह से पाते हैं। लेकिन जनाबे शौक कहते हैं कि फकीरों की झोली के पत्थर गुहर हैं, समझते हैं वो जो के अहले नजर हैं। फकीरों ने शाहों से रगबत न रखी, फकीरों के मोहताज सब ताजवर हैं। इसलिए कहना है लो तारुफ चांद पाशा का सुनो, लो तारुफ चांद पाशा का सुनो, मारफत के फूल दामन में चुनो, मारफत के फूल दामन में चुनो, मारफत के फूल दामन में चुनो, लो तारुफ चांद पाशा का सुनो, लो तारुफ चांद पाशा का सुनो, लो तारुफ चांद पाशा का सुनो, मारफत के फूल दामन में चुनो, मारफत के फूल दामन में चुनो, मारफत के फूल दामन में चुनो। से आप के हालात मुलाहिजा फरमाइए। है वो आवाटी में एक ऐसे वली, जिनसे मिलकर खिलती है दिल की कली, है सिले में शोलापुर के गांव एक, है उसी के पास वो हस्ती ये नेक, गांव का है नाम आवाटी शरीफ, है वहाँ आबो हवा खुशतर लतीफ, एक नदी है पास ही में खुशगवार, है वहाँ आबिद अली शाह का मजार, बस्ती से जंगल में कुछ ही दूर पर है वली ये चांद पाशा जलवगर, आपका जन्नत नुमा दरबार है, सब्ज गुंबद खुशनुमा मीनार है, जिस घड़ी गुंबद पे पड़ती है नजर शादुमा होता है हर मोमिन बशर, रहते हैं हर वक्त वो गोशा नशीन, शगल है बस याद रब्बुल आलमी, है विलायत का भरा आंखों में नूर, औरतों को रखते हैं नजरों से दूर, शाह शुजाउद्दीन उनके पीर हैं, फैज से उनके वो बातों पीर हैं, बाकीदत शौक से सुनिए जरा, बाकीदत शौक से सुनिए जरा, बाकीदत शौक से सुनिए जरा, उनकी गुजरी जिंदगी का वाकया, उनकी गुजरी जिंदगी का चांद पाशा के हालात जिंदगी जनाबे शौक कुछ इस तरह बयान करते हैं, मुलाहिजा कीजिए।
मोमिनाबाद एक बस्ती है जहाँ है वहाँ दिलकश पहाड़ों का समा है। जिले में बीड़ के वो दोस्तों अब तारुफ कुछ विलादत का सुनो है। शरीफ हाजी जो रहते हैं वहाँ चांद पाशा के पिदर हैं नेक ख्वान। वालिदा का उनके मरियम नाम है रब से पाया रहमतों का जाम है। आबिदा है पारसा खातून है दिल से अपने रब की वो ममनून है। नेक है वो आदतों अखलाक में कहते हैं हज्जानी अम्मा सब उन्हें। अब से तकरीबन हुए 40 साल सब हुए उनकी विलादत से निहाल। बाप माँ को थी खुसूसन वो खुशी जैसे तो आलम की दौलत मिल गई। बामसर्रत शुक्र खालिक का किया के उन्हें ये खूबरू बेटा दिया। एक बहारे नौ चमन में आ गई रब की रहमत सारे घर पे छा गई। देख कर चेहरा मुनव्वर चांद सा देख कर चेहरा मुनव्वर चांद सा देख कर चेहरा मुनव्वर चांद सा चांद पाशा नाम उनका रख दिया। चांद पाशा नाम उनका रख दिया। चांद पाशा नाम उनका रख दिया। आपकी विलादत हुई माँ बाप खुश हो जाते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। माँ थी खुश फर्जंद के दीदार से परवरिश करती थी उनकी प्यार से। एक अनोखा वाकया सुन लीजिए आप जब के 6 महीने के हुए। बस्ती से बारात सरसाला चली चांद पाशा को लिए माँ साथ थी। एक अशोला गांव रस्ते में पड़ा वो नदी के पास ही आबाद था। ठहरी वो बारात साहिल के करीब ताकि हो बारात को राहत नसीब। एक शजर के साय में माने वहाँ चांद पाशा को सुलाया बा अमा। खाना फिर बारात वो खाने लगी माँ भी तब मसरूफ खाने में हुई। चांद पाशा ने जो करवट ली वहाँ पहुँचे वो गिर कर नबी के दरमियाँ। पानी की लहरों में आकर बह गए माँ ने देखा पेड़ के नीचे न थे। चीख कर बोली अरे ये क्या हुआ मेरे बच्चे पर हुआ क्या हादसा। मैं गई थी उसको सोता छोड़ कर लफ्ते जिगर हो गया गायब मेरा लफ्ते जिगर हो गया गायब मेरा लफ्ते जिगर।
सामईन हजरात, इस वक्त आप हजरत वली चांद पाशा के हालात सुन रहे हैं। मुआविन हैं जनाब हमीद भाई थाने वाले, उनके ताबून से ये कैसेट आप हजरात की खिदमत में पेश किया जा रहा है। लीजिए अगला बंद मुलाजा फरमाइए। एकदम बारात वाले आ गए, ढूंढते थे चांद पाशा के लिए, दूर तक साहिल पे देखा जा बजा, पानी में पत्थर से लिपटा मिल गया, लाए बाहर पानी से उनको निकाल, सबके चेहरों पर था एक रंगे मलाल, पांव पकड़े और घुमाया दो दफा, पेट का सब पानी बाहर हो गया, चांद पाशा तो न पहुंचा कुछ जरर, मुस्कुराए वालिदा को देख कर, प्यार से माने उन्हें चिपटा लिया, सच्चे दिल से शुक्र खालिक का किया, वहाँ साहिल पे रोजा पुरबहार, चांद शाह बाबा का था उसमें मजार, चांद पाशा को लिए माशात शाह, समझी उनके फैज से पाई मुराद, हाजिरी दी और वसीले से कहा, अपनी रहमत से नवाज इसको खुदा, जाम रहमत का बफजले किबरिया, चांद शाह से चांद पाशा को मिला, जिसमें होता है वो खालिक मेहरबान, जिसमें होता है वो खालिक मेहरबान, जिसमें होता है वो खालिक मेहरबान, उसको हर आफत से मिलती है अमां, उसको हर आफत से मिलती है अमां, हर आफत से मिलती है आपने बचपन की एक करामत आपकी देखी। लीजिए जब आपने अपनी वालिदा के दूध से फरागत पाई उसके बाद और क्या क्या हुआ जरा मुलाहजा फरमाइए। दूध से पाई फरागत आपने, नाज से पाला उन्हें माँ बाप ने, खेल में बच्चों के वो जाते न थे, गुफ्तगु भी ज्यादा फरमा न थे, एक दिन जी में जो आया आपके, बकरियां जंगल में अपनी ले गए, एक शजर के नीचे एक गठरी मिली, आपने लाकर वो अपने घर रखी, बाप के कहने से वापस जा रखी, दूसरे दिन फिर वो गठरी घर में थी, बाप बोले फिर ये गठरी है यही, बोले वो गठरी ये मैं लाया नहीं, बाप ने जंगल में खुद जाकर रखी, आए घर वापस तो वो मौजूद थी, एक नई अलमारी उसके पास थी, खोल कर देखा तो उसमें घास थी, घास में कपड़ा था और एक चांद था, चांद वो चांदी का था एक खुशनुमा, एक आमिल ने उन्हें दी आ गई, मेहरबान तुम पर हुए मौला अली, देखिए ऐसा जमाना आएगा, देखिए बच्चा बली कहलाएगा, आपका बच्चा बली कहलाएगा, आपका बच्चा बली कहलाएगा।
سامعین حضرات، آپ کے جو حالات زندگی ہیں بچپن سے لے کر اور اب تک کے، وہ اس وقت آپ آہستہ آہستہ سنتے جا رہے ہیں. اگلا بند ملاحظہ فرمائیے. اور سنیے ایک سچا واقعہ، آپ کا بچپن میں کیسا حال تھا. ہو گئی جب عمر کل 6 سال کی، اور صورت بدلی ان کے حال کی. پاس بستی کے ہیں دو اونچے پہاڑ، ہے بظاہر ان پہ ویرانہ اجاڑ. ہیں بزرگوں کے مگر ان پر مزار، چاند پاشا ان پہ جاتے بار بار. ایک پہ ہے مولا علی کی یادگار، ایک پہ ہے رمضان بابا کا مزار. ایک دن تو بچے ان کو مل گئے، خوبصورت تھے وہ دونوں ایک سے. چاند پاشا سے کہا بھوکے ہیں ہم، ڈھونڈتے تھے کھانے کی شے وہ بہم. روٹی چٹنی جب ملی قرب مزار، خوش ہوئے وہ آ گیا دل کو قرار. روٹی چٹنی تینوں وہ جب کھا چکے، تو ہوئے بے چین پانی کے لیے. نیچے آئے وہ اتر کے کوہ سے، تھے پریشان پیاس کے مارے ہوئے. بیٹھ کر تینوں نے رب سے کی دعا، بیٹھ کر تینوں نے رب سے کی دعا، بیٹھ کر تینوں نے رب سے کی دعا. پانی کا ہم کو بتا دے اے خدا، پانی کا ہم کو بتا دے اے خدا، پانی کا ہم کو بتا دے. جگہ اونچے پتھر مٹی ملی، وہ ہٹائی چاند پاشا نے تبھی. ایک مینڈک اس جگہ بیٹھا ملا، کود کر مینڈک وہ باہر ہو گیا. پھر ہٹائی مٹی تو آفت ٹلی، ٹھنڈی ٹھنڈی دھار پانی کی چلی. سیر ہو کر تینوں نے پانی پیا، دونوں بچے ہو گئے بولا پتا. پاس میں ایک بستی شاہ گاؤں ہے، رحمت ربی کی جس پر چھاؤں ہے. ہے وہاں صادق علی شاہ کا مزار، چاند پاشا نے وہاں پایا قرار. وہ وہاں دیتے تھے اکثر حاضری، ایک دن دیکھا وہاں کچھ اور ہی. وہ علی شاہ کا نظر آیا مزار، پانی پت کا دیکھا منظر پر بہار. پھر وہ سب نظروں سے غائب ہو گیا، پھر یکایک کان میں آئی صدا. شاہ شجاع الدین سے جا کر ملو، بیعت ہو کے کچھ حاصل کرو. چاند پاشا گاؤں آئے لوٹ کر، چاند پاشا گاؤں آئے لوٹ کر، چاند پاشا گاؤں آئے لوٹ کر. تو بزرگ اچھے سے ایک آئے نظر، تو بزرگ اچھے سے ایک آئے نظر، تو بزرگ اچھے سے ایک آئے نظر. حضرات،
حضرت ولی چاند پاشا کے بیعت ہونے کا واقعہ اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ تربت مسعود کرمانی پہ تھے چاند پاشا جب قریب ان کے گئے، با ادب جا کر کیا ان کو سلام، دعا حضرت نے پوچھا ان کا نام، نام سن کر خوش ہوئے کہنے لگے بیٹھو اب تم اپنی منزل پا گئے، ہاتھ پکڑا اور مرید اپنا کیا، شاہ شجاع الدین تھے وہ با صفا، جا کے پھر سردار خان سے یہ کہا، میں نے یہ بچہ مرید اپنا کیا، مولوی ہیں آپ دے تعلیم سے، چاند پاشا پھر وہیں پڑھنے لگے، چاند پاشا پر کرم ان کا ہوا، 6 مہینے میں دیا قرآن پڑھا، کر لیا پھر سال بھر میں حافظہ، باپ ماں کو تھی خوشی بے انتہا، خوش ہوئے استاد حیرت بھی ہوئی، چاند پاشا کو دعا جی بھر کے دی، انقلاب ایسا طبیعت میں ہوا، چھوڑا گھر والوں سے بالکل واسطہ، چھوڑ کر پھر اپنی بستی چل دیے، چھوڑ کر پھر اپنی بستی چل دیے، چھوڑ کر پھر اپنی بستی چل دیے، پارسی قصبے میں وہ جا کر رہے، پارسی قصبے میں وہ جا کر رہے، پارسی قصبے میں وہ جا کر رہے۔ وہیں سے آپ اپنی بستی چھوڑ کر چل دیتے ہیں اور پھر آپ بارسی قصبے میں آ کر مقیم ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب وہاں کے حالات سماعت کریں۔ وہ ملک صاحب کی ایک درگاہ پر یاد رب کرنے لگے 8 پہر، جم گیا دل میں تصور پیر کا، پانسا پلٹا آپ کی تقدیر کا، پھر پرانڈا والے بدر الدین شہید دے گئے ان کو بشارت یہ مزید، دے بزرگوں کے یہاں تو حاضری، اب بلاتی ہے تجھے منزل تیری، کرملا میں کرم مولا کا مزار، دیکھا جا کے مل گیا دل کو قرار، چاند پاشا پونا پہنچے با خوشی، کی زیارت شہ قمر دربیش کی، کھڑکی والے رحمت اللہ قادری، یاد آئے تھی وہاں بھی حاضری، جاگے دل میں معرفت کے بلبلے، پھر وہاں سے شہر دہلی کو گئے، پہلے دیکھا بابا خسرو کا مزار، فاتحہ پڑھ کر ملا دل کو قرار، پھر درے حضرت نظام الدین پر حاضری دی سر بخم با چشم تر، دہلی سے اجمیر پہنچے با خوشی، بارگاہ خواجہ میں دی حاضری، خواجہ عبدالحق سے پھر پاشا ملے، معرفت کے پھول تب دل میں کھلے، پید خواجہ سے انہیں حاصل ہوا، پید خواجہ سے انہیں حاصل ہوا، پید خواجہ سے انہیں حاصل ہوا، نور
इरफा से मुनव्वर दिल हुआ, नूर इरफा से मुनव्वर दिल हुआ, नूर इरफा से मुनव्वर दिल हुआ। तरीके से हजरत वली चांद पाशा सब मज़ारों की जियारत करते हुए जब दरे ख्वाजा पर पहुंचते हैं तो उनका दिल नूर इरफान से मुनव्वर हो जाता है, और उसके बाद आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के फर्जंद के मज़ार पाक पर सरवार शरीफ जाते हैं। लीजिए मुलाहिज़ा कीजिए ये बंद। फैज़ हासिल फिर किया सरवार से, है वहां फर्जंद ख्वाजा पाक के, फिर गए कलियर में साबिर के यहाँ, हाजिरी दी सब मजारों पर वहाँ, हजरत साबिर ने दामन भर दिया, सब्र से सरशार उनको कर दिया, मिल गए दुर्वेश फिर बाबा गरीब, चांद पाशा का हुआ रोशन नसीब, फिर गए कलियर से वो देवा शरीफ, हो गई खुश आपकी तब ए लतीफ, पानी पत पहुंचे तो वो मंजर मिला, शाहे गाँव के तसव्वुर में जो था, जाके देखा अबू अली शाह का मजार, हो गया पैदा तबीयत में निखार, सब बुजुर्गों की हुई उन पर नजर, नूर अफशा हो गए कल्ब जिगर, तू अली शाह के यहाँ देखा चराग, हो गया उस पर रुजू उनका दमाग, पानीपत से नागपुर में आ गए, बाबा ताजुद्दीन दिल पर छा गए, कोल गाँव जाके दी फिर हाजिरी, है जो अहमद शाह अकबर शाह वली, करके ज़ियारत कोल गाँव की जनाब, करके ज़ियारत कोल गाँव की जनाब, करके ज़ियारत कोल गाँव की जनाब, बारसी में हो गए फिर बारिया, बारसी में हो गए फिर बारिया, बारसी में हो गए फिर बारिया। इस तरीके से इन सब बुजुर्गों के मज़ारे मुकद्दस की ज़ियारत करने के बाद हजरत वली चांद पाशा पारसी में आ जाते हैं। अब आगे के हालात समाप्त फरमाए। पानीपत का पाया हुजरे में चिराग, चांद पाशा का हुआ दिल बाग बाग, था नजर में जलवा अपने पीर का, रंग निखरा आपकी तकदीर का, जोश पर आई अकीदत जब मजीद, ख्वाब में थे बाबा बदरुद्दीन शहीद, दस्ते शफ़क़त सर पे रखा और कहा, अब तुम्हें जामे तरीकत मिल गया, अब न जब बगदाद करबल जाइए, मक्का में हज करके तैबा आइए, रोज़े सरकार पे जब जाओगे, अपने दिल की सब मुरादें पाओगे, भर दिया फिर हज का फार्म आपने, मिल गई मंजूरी रब के फजल से, पारसी में पढ़ के जुमे की नमाज, की दुआ ऐ मेरे रब्बे कारसाज़, ये सफर हज का मुझे आसान कर,
रहनुमाई मेरी ए रहमान कर। पारसी से आप जब हज को चले, अहले बस्ती आए रुखसत के लिए, हो गए वो बंबई को फिर सवार, हो गए वो बंबई को फिर सवार, हो गए वो बंबई को फिर सवार। साथ में थी रहमते परवरदिगार, साथ में थी रहमते परवरदिगार, साथ में थी रहमते परवरदिगार। से हजरत वली चांद पाशा हज के लिए रवाना हो रहे हैं। कैसे? सन्नवासी जून की 26 थी, पारसी से आप पहुंचे बंबई, बंबई से फिर सफर जारी किया, पहुंचे वो बगदाद अज फजले खुदा, बावजू और बा अदब सरखम किए, गौस के दरबार में हाजिर हुए, चूमी चौखट जब शहे बगदाद की, बढ़ के रहमत ने मुबारक बात दी, रफ्ता रफ्ता आगे वो पढ़ते रहे, चुपके चुपके दिल में वो पढ़ते रहे, जाने फिर क्या क्या ख्याल आते रहे, चश्मे तर से अश्क बरसाते रहे, मेहरुबा उन पर हुए गौसे जमा, दागे हसरत धुल गए सारे वहाँ, गौसे आजम का हुआ क्या क्या करम, शौक खामा कर नहीं सकता रकम, गौस के दरबार से क्या क्या मिला, चांद पाशा ही को है इसका पता, दी सलामी कब्र अनवर चूम कर, हो गए नूर अला कल्ब जिगर, चल दिए फिर आप सुए करबला, ये न पूछो उस घड़ी क्या हाल था, जब हुए हाजिर बदर गाए इमाम, जब हुए हाजिर बदर गाए इमाम, जब हुए हाजिर बदर गाए इमाम, पेश अशकों से किया उनको सलाम, पेश अशकों से किया उनको सलाम, पेश अशकों से किया उनको सलाम। आजम दस्तगीर पीराने पीर हुजूर मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार अक़दस की हाजिरी के बाद जब हजरत इमाम अली मकाम के रोज़े मुकद्दस पर जाते हैं, उस वक्त की मंजर निगारी समाप्त कीजिएगा। सामईन, ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हमीद भाई थाने वालों के ताबू से पेश किया जा रहा है। लीजिए ये बंद मुलाहजा फरमाइए। वो हुसैन बुने अली आली मकाम, जिनके नाना जान है खैरुल अनाम, हाल दिल अपना सुनाया फिर उन्हें, कल्ब में अपने बसाया फिर उन्हें, हो गई होगी अजब हालत वहां, लिख सकूं तफसील से हिम्मत कहां, हो गए बेचैन सबकी याद में, लौट आए आप फिर बगदाद में, फिर नजफ अशरफ में पहुंचे बाखुशी, मेहरुबा उन पर हुए मौला अली,
फिर इमाम आजम के रोजे पर गए, फारसी सलमा की तुर्बत पर रुके, देखा मूसा का जमी का फिर मजार, यूनुस अय्यूब का देखा दयार, देखी कूफा शहर की वो रह गुजार, हजरत मुस्लिम का जिसमें है मजार, याद माजी ने किया जब बेकरार, हो गई चश्मान तर तब अश्कुबार, काम ये उनकी अकीदत ने किया, सब की ज्यारत का शरफ हासिल हुआ, चांद पाशा पर हुआ रब का करम, चांद पाशा पर हुआ रब का करम, चांद पाशा पर हुआ रब का करम, चल दिए बगदाद से सुए हरम, चल दिए बगदाद से सुए हरम, चल दिए बगदाद से सुए हरम। तरीके से आप बगदाद से सभी के मज़ारे मुकद्दस की ज़ियारत करने के बाद सूए हरम जाते हैं, अब वहाँ किस तरीके से आपने हज अदा किया, आइए इस बंद में मुलाहजा करें। बांध कर एहराम तय रस्ता किया, लब पे सब के नारे लब्बैक था, शहर मक्का में हुआ जब दाखिला, गूंज उठी नारों से सारी फिजा, सामने काबे के पहुंचे जिस घड़ी, आसमां से नूर की बरसात थी, फिर तवाफे काबा करके आपने संग असवद के वहां बोसे लिए, मुल्तजिम से फिर लिपट कर की दुआ, अश्कुबारी का वहां पाया मजा, जाए इब्राहिम पर पढ़ कर नमाज, आप जमजम से हुए फिर सरफराज, फिर सही की और कसरे मुंह किया, बोला फिर एहराम उमरा हो गया, फिर मीना अरफा तुम मुज़दलफा गए, और रमी कुर्बानी से फारिग हुए, देखा गारे सौर और गारे हिरा, जन्नतुल माला कभी मंजर मिला, जब अदा हज का फरीजा कर लिया, फिर तवा पे रुखसती आकर किया, सब मकामात मुकद्दस देख कर हो गई महसूस हजरत की नजर, रहमतों के जाम पीने के लिए, फिर वो मदीने के लिए, चल दिए फिर वो मदीने के लिए, चल दिए फिर वो मदीने के लिए। काबे शरीफ में सारे अरकान अदा करने के बाद हजरत वली चांद पाशा आकाए नामदार ताजदारे मदीना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे मुबारक की ज्यारत के लिए मक्के से मदीने शरीफ की तरफ जाते हैं, और मदीने में क्या होता है मुलाहजा फरमाइए। अल्लाह अल्लाह वो मदीने का सफर, मंजिले कुर्बान की हर गाम पर, इश्क था प्यारे नबी का
सैर जन्नत का मजा आने लगा, शहर के मीनार जब आए नजर, मरहबा पहुंचा मुकद्दर औज पर, मुस्तफा का शहर देखा जिस घड़ी, तो मसरत से खिली दिल की कली, एक जगह जाकर किया पहले कयाम, ठहरने का कर लिया जब इंतजाम, गुस्ल करके पैरहन पहना नया, इत्र से उसको मुअत्तर कर लिया, फिर चले रोजे की जानिब बाखुशी, थी घड़ी वो हासिले सद जिंदगी, शहर रोशन रहमतों के नूर से, सब्ज गुंबद दिल लुभाता दूर से, जब अदब के साथ रोजे पर गए, नारे थे लब पर दुरूदे पाक के, एहतरामन रोजे पर दी हाजिरी, ये लगा के जैसे जन्नत मिल गई, जब सुनहरी जालियां आई नजर, हो गए रोशन सभी कलबो जिगर, हो गया बेहद करम सरकार का, हो गया बेहद करम सरकार का, या रसूल अल्लाह, हो गया बेहद करम सरकार का, रोज़े अक़दस पे जो बुलवा लिया, रोज़े अक़दस पे जो बुलवा लिया, रोज़े अक़दस पे जो बुलवा लिया, सरकारे दो आलम का इसको करम ही कहिए, हजरत वली चांद पाशा मदीने की गलियों में सरकारे दो आलम के रोजे की जियारत कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। काम ये चश्मे तसव्वुर ने किया, खिलवते सरकार में पहुंचा दिया, दिल ये बोला अस्सला तो बस सलाम, याद रखना हश्र में खैरुल अनाम, दस्त बस्ता बा अदब बा एहतराम, आका से रुखसत हुए करके सलाम, अव्वलो तो इन सहाबा के लिए दी सलामी आजिज़ाना तौर से, बस ये समझो फैज से सरकार के, चांद पाशा हो गए, पढ़ के रियाज़ुल जन्ना में नफली नमाज, रहमते रब से हुए वो सरफराज, पहुंचे जब जन्नत बकीये पाक में, आ गया एक इनकलाब इदराक में, देखे अहले बैत के जिस दम मजार, दी अकीदत ने सलामी बार बार, सब मकामाते मुकद्दस देख के, रोज़े अनवर से जब रुखसत हुए, दिल ने दी आवाज मत जाओ कहीं, ऐसा मंजर सारे आलम में नहीं, बार गम से बेखुदी में आ गए, बार गम से बेखुदी में आ गए, बार गम से बेखुदी में आ गए, चांद पाशा बारसी में आ गए, चांद पाशा बारसी में आ गए, चांद पाशा बारसी में आ गए। तरीके से हज मुबारक करने के बाद, मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा की जियारत के बाद
आप वापस पारसी में तशरीफ ले आते हैं, लेकिन उसके बाद आगे क्या क्या होता है समाप्त कीजिए। हज के वो शामो सहर ले लो निहार, निगाहों में मदीने की बहार, वो हरम में बारिशें अनबार की, वो बहारें रोजे सरकार की। इस तरह जब और गुजरे तीन साल, फिर यकायक आया हिजरत का ख्याल, गायबाना हुक्म हिजरत का हुआ, कुछ निशानी भी जगह की थी बता। वो निशानी गांव आबाटी में है, कुछ है बाहर और कुछ बस्ती में है। पारसी में उनको गुजरे 20 साल, उनकी हिजरत का हुआ सबको मलाल। हुक्म हिजरत का अगर मिलता नहीं, पारसी से वो नहीं जाते कहीं। पारसी से पढ़ के जुमा वो चले, गांव आबाटी में दाखिल हो गए। दिन जुमा 26 थी अप्रैल की, और सन 91 थी ईसवी। है जहां आबिद अली शाह का मजार, है जहां आबिद अली शाह का मजार, है जहां आबिद अली शाह का मजार। की सुकूनत उस जगह पर इख्तियार, सुकूनत उस जगह पर देख प्यार, उस जगह पर देख प्यार। तरीके से आप पारसी से हिजरत करके आवाटी गांव में तशरीफ ले आते हैं। जुमे के दिन 26 अप्रैल सन 1991 का वो दिन जब हजरत वली चांद पाशा वारसी से आवाटी शरीफ में आते हैं, और आप आवाटी में हजरत आबिद अली शाह के मजार के पास सुकूनत इख्तियार करते हैं। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिए। एक शजर था उस जगह मिसवाक का, था खड़ा मुद्दत से वो सूखा हुआ। लोग बोले काट दे इस पेड़ को, आपने फरमाया इसको रहने दो। रब ने चाहा तो हरा हो जाएगा, जिससे लोगों का भला हो जाएगा। चांद पाशा ने कहा वो हो गया, रात ही भर में हरा वो हो गया। उसके पत्ते जो भी कोई ले गया, हो गया उनसे मरीजों का भला। कोया वो एक हासिले मकसूद है, वो दरख्त तब भी वही मौजूद है। अहले बस्ती ये करामत देख कर, हाजिरी देने लगे शामो सहर। एक करामत और है बीमार का, हाल था कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ। उसके बचने की न कुछ उम्मीद थी, पासु बाबा के वो आया आदमी। देख कर उसको कहा बच जाएगा, मेरा रब फजलो करम फरमाएगा। पानी पड़ कर दे दिया वो ले गया, रब्बे आलम ने उसे बख्शी शिफा। जो खुदा मुस्तफा का हो गया, जो खुदा मुस्तफा का हो गया, जो खुदा मुस्तफा का हो गया, उसके हाथों से मिली सबको शिफा। उसके हाथों से मिली सबको शिफा, उसके हाथों से मिली सबको शिफा। Thank you.
अकीदत से सुनो, वाकया है ये भी सच्चा दोस्तों। एक दिन बैठे ही बैठे आपका चेहरे पुर नूर फीका पड़ गया। आपसे पूछा किसी ने क्या हुआ, आपका चेहरा ये क्यों फीका हुआ। आपने फरमाया सब तौबा करें, कहर से अल्लाह ताला के डरें। एक तबाही आने वाली है बड़ी, बस्ती एक पूरी पना हो जाएगी। जलजले ऐसे जमीन पर आएंगे जिससे लोगों के मकान गिर जाएंगे। लोग दब कर बहुत से मर जाएंगे, घर से बाहर वाले ही बच पाएंगे। कह के तहखाने में जब पहुंचे जनाब, चार दिन के बाद वो आया अजाब। जलजले से मर गए फुर्दो कलां, गिर गए किल्लारी में सारे मकान। चंद दिन पहले का है ये वाकया, ये सिला लातूर का है सानहा। सारी दुनिया में ये शोहरत हो गई, सारी दुनिया में ये शोहरत हो गई, सारी दुनिया में ये शोहरत हो गई। बस्ती एक भारत में गारत हो गई, बस्ती एक भारत में गारत हो गई, बस्ती एक भारत में गारत। सामईन हजरात, देखा आपने, एक वली पहले से जान जाता है क्या होने वाला है। उसके बाद जब आप आवाटी में मुकीम हो गए, आपके पास बड़ी बड़ी हस्तियां मिलने आती हैं। आपके मुर्शिद शाह शुजाउद्दीन आते हैं, मौलवी फतेह मोहम्मद जोधपुर से आते हैं, शाह शुजाउद्दीन के प्यारे पिसर मौलवी आजम अली भी आते हैं। सभी लोग हजरत वली चांद पाशा से मिलकर खुश होते हैं और फिर आपको इशारा है कि जंगल की तरफ जाइए, खानकाह बनवाइए। आपने जिस जगह आप खानकाह बनवाई है वहाँ दूर दूर तक पानी नहीं था। चांद पाशा वली ने बताया एक जगह की मिट्टी हटाओ, जैसे ही वहाँ की मिट्टी हटाई गई वहाँ एक चश्मा जारी हुआ। और जब तामीर पूरी हो गई उस खानकाह की, तो वो मिट्टी उसी जगह ढक दी जाती है क्योंकि वहाँ का पानी पीने के लायक नहीं था। जब आप रात में आवाटी से अपनी खानकाह की तरफ आए तो आपके दोनों खादिम नबील और इरफान आपके साथ हैं। आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। खानकाह में चांद पाशा आ गए तो वहां बादल करम के छा गए। मक्तसिल दरबार एक दरबार है जिसमें मुए अहमद मुख्तार है। इसमें है मुए हुसैन बुने अली, यादगारें हैं बुजुर्गों की रखी। एक नबी अय्यूब की चादर भी है, गौसे आजम का मुए अतहर भी है, और एक चादर है गौसे पाक की। एक जुब्बा है निशानी पीर की, है मदीने की वहां एक यादगार। सब्ज गुंबद और मीनारा शानदार, दस मुहर्रम के लिए का एहतराम। चांद पाशा अल्लाह वाले नेक नाम, वो हुसैन इब्ने अली का मुए नूर। सबको दिखलाते हैं हसरत से हुजूर, गौस का मुए मुबारक और गिलाफ। करके ज्यारत करते हैं सब कल्ब साफ, ग्यारहवीं की सत्रह तारीख को करते हैं ज्यारत सभी है दोस्तों। आती है जब साल में बारह बफात, पंद्रह तारीख को बाद सलात। मिलता है ज्यारत को अब बदले खुदा, मिलता है ज्यारत को अब बदले खुदा, मिलता
अनवर अहमद मुख्तार का, हुए अनवर अहमद मुख्तार का, हुए अनवर अहमद मुख्तार का। सामीन हजरात, ये कैसेट आपकी खिदमत में हमीद भाई थाने वालों के ताबून से पेश किया जा रहा है। हजरत वली चांद पाशा की शान में एक और कैसेट बहुत जल्द शान वली चांद पाशा भी आप हजरत की खिदमत में पेश किया जाएगा। इस बार 15 दिसंबर यानी 10 शव्वाल को आबाटी शरीफ में महफिल समा है, आप वहां जरूर पहुंचे। सामईन हजरत, आबाटी शरीफ में क्या क्या तबरुकात हैं आपने सुना, किस किस की ज्यारत कब होती है। बदायूं के हजरत सालिम मियां साहब गौसे आजम के मजार की एक चादर वहां देकर आए हैं, इसकी ज्यारत कराई जाती है और हर बुध को वहां पर महफिल होती है। 10 शव्वाल को महफिल सिमा का प्रोग्राम भी होता है हर साल, इस साल 15 दिसंबर को ये महफिल सिमा होगी, आप लोग उसमें ज़रूर शिरकत करें। शाह शुजाउद्दीन के प्यारे पिसर मौलवी आजम अली सूफी, वो 1422 सन हिजरी की साल जिनका इंतकाल हो चुका है, उनके बेटे अब जहीरुद्दीन शाह यहाँ आते हैं और तकरीर फरमाते हैं। आखिरी बंद जनाब शौक साहब कुछ इस तरह लिखते हैं, समाप्त कीजिए। अब वली ये चांद पाशा के यहाँ रहता है मौसम हसी प्यारा समा, है बजाहिर तो वहाँ जंगल मगर उल्द जैसा आता है मंजर नजर, जो भी इंसान पहुँचता है एक बार उसको रहता है दोबारा इंतजार, है अकीदा जिनका सच्चा बा खुदा उन मरीजों ने वहाँ पाई शिफा, चांद पाशा के है खादिम खास दो ये सादत है नबी इरफान को, उनको बचपन से है ये खिदमत मिली है इसी खिदमत से रोशन जिंदगी, है नबी अहमद को कुछ ज्यादा लगन दिल में है खिदमत का जज्बा मोजिजन, शौक पर है चांद पाशा का करम, शौक पर है चांद पाशा का करम, शौक पर है चांद पाशा का करम, कर दिया जो बात